नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बोकारो से है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जिले से बेरमो कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस समेत झारखंड के लिए बड़ा चेहरा माने जाते हैं, राजेंद्र सिंह वर्षों से कांग्रेस बेरमो विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। हाल ही में हुए महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। इन सब बातों का जायजा लिया बिहार झारखंड ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी के जो आज अंतिम विदाई है, उस पर हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के बड़े चेहरा राजेंद्र प्रसाद जी। सर ये बताइए, ये सर पॉलिटिक्स का मतलब उदासीनता का शिकार बन गए सर, और बिहार में रहें, जबकि इनको अमेरिका जैसे देश ने भी ऑफर किया था, यदि वहाँ रहते तो शायद आज जिंदा रहते, हम लोग के बीच रहते, लेकिन ये क्या माना जाए, इतनी गंदी पॉलिटिक्स क्यों है सर बिहार में? आप जो बोल रहे हैं सही है, और वशिष्ठ बाबू का एक अपना कर्तव्य और चेहरा बिहार में नहीं पूरे दुनिया में रहा है, उतना बड़े मैथमेटिक्स का जानकार कोई नहीं था। लेकिन सर बुजुर्गों का मानना है कि जब आप लोग पावर में थे और जब जनता भेजती थी, उस समय वशिष्ठ बाबू को काफ़ी मतलब वहाँ पे देख रेख में रखा गया था, काफ़ी व्यवस्थाएं दी गई थी, लेकिन जैसे आप लोग के उम्र ढल गए, नए लोग आने लगे सरकार में और सरकार चलाने लगे, डबल इंजन कहिए और फिर तो बहुत काफ़ी समस्या हो, तो सर लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से घिनौना हो गया है, देश के धरोहर को नहीं देखा जा रहा, अपने बैंक बैलेंस को ज़्यादा देखा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार यही हुआ कि आज उनको एक एम्बुलेंस नहीं मिला, और कैसे उनका डेड बॉडी जा रहा है, उनके परिवार को, पूरे बिहार को और इस देश के लोगों को हम कहेंगे कि इस घड़ी में उनके आत्मा को सब शांति दें। मतलब राजेंद्र भाई आप काफ़ी दुखी दिख रहे हैं और भावुक हो चुके हैं इस मामले को लेकर, इसलिए कि काफ़ी उनका मानना है कि ये उस समय जहां सरकार सपोर्ट करती थी और ये उदासीनता का शिकार बन चुके हैं पॉलिटिक्स के, जिसके चलते वो नहीं रहे। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, बेरमो। झारखंड चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी आज नॉमिनेशन कराया। इस मिशन के कार्यक्रम में काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके नॉमिनेशन में युवाओं का हुजूम काफी जोरों पर देखने को मिला। इस भीड़ में गरीब गुरबा समेत महिलाओं ने भी भारी संख्या में अपनी भागीदारी दिखाई। बोकारो जिले का पहला ऐसा नॉमिनेशन हुआ जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। ये तो जनता क्यों करे, और जनता मेरे साथ है। खबर जेएमएम हम लोग के साथ नहीं थे, राजद भी नहीं थे, अगर तीनों हैं माननीय शिवु सरन जी, हेमंत सोरेन जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, सब कुछ छूटा हुआ नहीं था। जितना हम लोग अपना विधायक फंड दिए थे और जो फंड ला दिए थे उसका ये लोग उद्घाटन तक नहीं करवाए पाँच साल में, यही दर्द है, इसको हम पूरा कर देंगे। तो जो एमएलए हैं उनसे पूछिएगा ना। लेकिन उनका तो आरोप है कि चार बार पांच बार से आप रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती थी। शायद उनको नहीं पता होगा कि ये ट्रेनों से नहर से निकला है, और सबसे हम हेमंत सोरेन जी का नारा लगा रहे हैं, अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और वो विजय श्री हम लोग को होगा, हम लोग सरकार बनाने, वो तो जनता ही बताएगी। जब काउंटिंग आपका होगा तो पता चलेगा। महागठबंधन का क्या पोजीशन रहेगा इस बार सरकार में झारखंड में? महागठबंधन में हम लोग तीन पार्टी हैं, जेएमएम है जिसके नेता गुरु जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, और माननीय लालू प्रसाद, और ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, लगातार क्योंकि आप चुनाव प्रचार से लेकर जनता के मन को टटोलने का पूरा काम कर रहे हैं, क्या आभास हो रहा है, मुख्यतः क्या है लोगों की मांगे? हाँ जी बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार यदि राजेंद्र प्रसाद जी की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा थे, और उसके बाद उनको जो चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया था लगातार पांच बार कांग्रेस से उनको निकाला गया, लेकिन बीच में जो मोदी जी की लहर चली उसमें पटुक जैसे विधायक जीतने का काम किए।
उसके बाद विधायक जी तो जीत गए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनसे विकास नहीं हुआ, मतलब वो विधायक जी के उदासीनता का शिकार हो गया पेमरो विधानसभा क्षेत्र। और सच्चाई यदि रहा कि यहाँ पे जब राजेंद्र जी का आज नॉमिनेशन होना था, आज हुआ, उसमें इतनी भीड़ देखने को मिली, ये जोश थी लोगों में, और लोग मतलब लोग तो बच्चों और युवाओं के साथ साथ वहाँ महिलाएं भी देखने को मिली, और सारे लोग वहाँ पे काफी खुश थे कि चलो कम से कम फिर से हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। और इस प्रकार का जो माहौल था उसमें अब तक रिकॉर्ड रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक इतनी हुजूम भीड़ के साथ कोई भी वहाँ पे नॉमिनेशन कराने नहीं गया था। और प्रशासन भी काफी देखने को मिली कि प्रशासन वहाँ पे एक्टिव भी था, और इसलिए प्रशासन के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार भीड़ आया है उसमें अब तक हम लोगों ने उतना भीड़ नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जनता खुश है, जो 5 साल जो बीच में हट गए थे राजेंद्र जी, और फिर राजेंद्र जी को वहां लाया गया, ये खुशी थी, खुशी इस चीज की थी कि फिर से विकास होगा। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो मुद्दा उठा है तो सिर्फ विकास, और विकास के लिए लोग वहां पे एक्टिव हो चुके हैं। पूजा, तो अभी एक्टिव हो चुके हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिशन यहाँ किस किस के बीच में फाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? देखिए यहाँ पर झारखंड की पूरे विधानसभा की बात, तो झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र में जो है अभी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई तो रहेगी, लेकिन यदि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आ जाए तो वहाँ पे भी वही जरूरत, लेकिन यहाँ पे बटुक जैसे विधायक आ गए हैं वहाँ पे, जिसके चलते लोगों ने खुलकर देखा कि हमने 5 साल का जो सत्ता दिया तो वहाँ पे बटुक ने क्या किया, 5 साल में उन्होंने बेरमो का विनाश करने का काम किया, इसलिए कि जो राजेंद्र जी द्वारा बनाया गया था जितना भी हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन उन्होंने उद्घाटन तक नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने का खास वजह यह था कि ये दिखलाना चाहते थे कि आपका बनाया हुआ चीज मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, तो इससे तो वो बटुक जी भूल गए कि वो शायद वो विधायक को, ये भाजपा के विधायक को ये जानना चाहिए था कि उनका नाराजगी जनता के लिए कितना भारी पड़ सकती है। अब वो देखिए वो जनता दिखला रही है, इस चुनाव में इनको सामने देखने को मिल जाएगा भाजपा के विधायक को, इसलिए कि राजेंद्र जी काम करने वाले नेता थे और पुराने चेहरा है कांग्रेस के, और कांग्रेस और यहाँ पे तय है कि कांग्रेस की सीट निकलने जा रही है। चले, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपना नॉमिनेशन कराया। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर हलचलें लगातार तेज हैं। बैरमो विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज मीडिया लगातार पड़ताल कर रहा है और जान रहा है लोगों के मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतर रहे हैं, पार्टीज उतर रही हैं, और जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली है। खबर बोकारो से है, जहां वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर शोक लगातार प्रकट किया जा रहा है। इस बीच भारत के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता अनूप सिंह ने भी उनके घर पर जाकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, प्रकट किया। राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं अनूप सिंह। गठबंधन सरकार की उदासीनता का शिकार हुए गणितज्ञ, सही तरीके से महान गणितज्ञ का उपचार ही नहीं हुआ। देखिए परिवार की ओर से भी, क्योंकि यही नाराजगी जाहिर की जा रही थी, महान गणितज्ञ के निधन के बाद अब लगातार नेताओं के शोक प्रकट करने का सिलसिला जारी है। इस बीच अनूप सिंह की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं कि सही तरीके से इलाज ना मिलने के कारण उनका निधन हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच भारत के महान गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनके निधन के बाद कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता अनूप सिंह ने भी शोक प्रकट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं अनूप सिंह, जो कि महान गणितज्ञ के निधन के बाद शोक प्रकट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने सही तरीके से महान गणितज्ञ के उपचार ना होने के आरोप भी लगाए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने इतने बुद्धिजीवी वर्ग के इंसान को आज हमने अपने बीच खो दिया। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरवशाली थे, और जिसका सम्मान पूरा विश्व करता था। उनकी जो प्रतिभाशाली जो सोच थी और जो गणित के वो ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, शायद ही आज तक उनके जैसा कोई हुआ है। हिंदुस्तान ने एक महान, बहुत महान व्यक्ति को खो दिया है।
खबर धनबाद से है, जहां पर स्वदेशी जागरण मंच पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। फ्लाइंग स्क्वाड टीम बीडीओ उदय रजक ने निरीक्षण में कोर्ट रोड में सरकारी दीवार पर स्वदेशी जागरण मंच का दीवार लेखन पाया। दीवार पर स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ निवेदक स्वदेशी जागरण मंच लिखा पाया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप है। स्वदेशी जागरण मंच पर सरकारी दीवार पर पाया गया स्वदेशी जागरण मंच का प्रचार। अब स्वदेशी जागरण मंच पर मुकदमा दर्ज होगा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। तो ये आप दीवारों पर देखिए, सरकारी दीवारों पर ये जो एड्स आप देख रहे हैं, इसी को ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए स्वदेशी जागरण मंच पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया गया है। और वही मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां आईजी गणेश कुमार ने अपने कार्यालय में चार जिलों के डीएसपी और निकट टास्क फोर्स पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें शराब माफिया अविलंब कार्रवाई की मांग की गई, अविलंब कार्रवाई भी की गई। कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसकी स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। तो शराब माफिया पर प्रशासन बेहद सतर्क है, शराब माफियाओं पर अविलंब कार्रवाई की बात कही जा रही। मुजफ्फरपुर में आईजी गणेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। और लीगल टास्क फोर्स के प्रभारी पदाधिकारियों को उनके साथ समीक्षा की जा रही है कि चारों जिलों में जो भी मद्य निषेध से संबंधित कांड हुए हैं उनके अनुसंधान की क्या स्थिति है, और उसका जो कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है ट्रायल की क्या स्थिति है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब के धंधे में संलिप्त अपराधी हैं उनको सजा सुनाई जा सके। ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि जो भी केसेज हैं तो उसमें चारों जिले का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि कहाँ पर ट्रायल की स्थिति अच्छी है, कहाँ पर सजा सुनाई गई है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं उसमें भी। भोजपुर में नहीं थम रही बेखौफ बदमाशों की बदमाशी। बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियार के दम पर लूटपाट की। छात्रों ने ग्रामीण बैंक से 55 लाख रुपए लूट लिए। लूट के बाद अपराधी हुए मौके से फरार। 5 अपराधियों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। दिन दहाड़े लूट की घटना से जिले में दहशत का माहौल। भोजपुर एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे। नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति में ग्रामीण बैंक का मामला। और बड़ी खबर संभल से है, जहां प्राल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खंभे से जा टकराई। हाई टेंशन करंट से ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। बीच सड़क पर ही धू धू कर जली ट्रैक्टर ट्रॉली। आग ने लिया विकराल रूप। इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीण आग बुझाने में जुटे। गुन्नौर कोतवाली के नगर पंचायत बबराला कार्यालय के सामने का ये पूरा मामला। तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग की तस्वीरें। संभल का नजारा, आग की रौद्र रूप की तस्वीरें आप देखिए। किस तरह देखिए, आग का विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट लगा और करंट के प्रभाव के बाद में इसमें आग लग गई। आग का ये रौद्र रूप आप देख रहे हैं, संभल का ये नजारा। उसके बाद मौके पर सोचिए किस तरह से लोग आनन फान में अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आग का ही मंजर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर कानपुर से, जहां फील खाना थाना क्षेत्र स्थित LIC बिल्डिंग के सामने पानीर मेडिकल स्टोर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही यहां पर भी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धू धू कर जलने लगी दुकान। इस दौरान आग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की जानकारी दी दमकल विभाग को, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही है कि पूरी घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश प्रदीप यादव को गोली लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही संदीप तिवारी को भी लगी गोली। दोनों ही घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लाइन बाजार थाना क्षेत्र का मामला। थाना प्रभारी लाइन बाजार और TD चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। इन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन इन्होंने एक फायर जो किया, जो हमारे एक सिपाही है
उसके हाथ में लगी। इनके साथ पुलिस का आमना सामना हुआ और उसमें जो अभियुक्त है उसका नाम है प्रदीप यादव, ये थाने का मजारिया HS भी है और 25,000 का इनामिया है। इस पर हत्या, लूट और हत्या के प्रयास समेत 9 मुकदमे कायम हैं और अभी ये लूट में वांछित था तो इसको भी पैर में गोली लगी है, इसका इलाज कराया जा रहा है। और बाकी एक दूसरा अभियुक्त भी इसके साथ में था, उसकी तलाश के लिए चेकिंग की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है। SSP सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया, थाना इंदिरापुरम पुलिस ने कार्रवाई की है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। ऐसे 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे, थाना इंदिरापुरम पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गाजीबाद SSP सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर इंदिरापुरम थाना की ओर से कार्रवाई की गई, इसमें 18 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सार्वजनिक जगहों पर बैठकर शराब पी रहे थे। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, बिहार से राजस्थान जा रही बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में 5 लोगों की गई जान, कई घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हैतिमपुर टोल प्लाजा के पास NH 28 हाईवे पर यह हादसा हुआ। CM योगी ने लोगों की मौत पर जताया शोक, हादसे में घायल लोगों का इलाज करने के निर्देश। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और इसके बाद पलट गई। स्कॉर्पियो सवार 3 लोग जो इसके अंदर सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 6 घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली देहात के दुल्हिनपुर के पास यह हादसा हुआ। तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई, इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो देखिए स्कॉर्पियो की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है वो कितना भीषण हादसा था। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने लोगों की जान ले ली। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बताएं, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।